दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। आज के वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक लेटेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा। दोस्तों, ये जजमेंट सितंबर 2022 में ही आई है और 498A पर आधारित है। दोस्तों, यदि पत्नी पति के ऊपर 498A का केस कर देती है तो ऐसे में पति की फ्री मूवमेंट पर, यानी कि उसके आने जाने पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, काफ़ी लिमिटेशंस लग जाती हैं। एक तो पहले ही केस का प्रेशर होता है, ऊपर से पुलिस की कार्रवाई, पुलिस जब मर्जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पति को पूछताछ के लिए बुला लेती है। पति को अपने इम्पॉर्टेंट काम भी इसी वजह से छोड़ने पड़ते हैं, जिनके चलते उसको फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है और इसकी जॉब के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में यदि पति को किसी भी कारणवश देश से बाहर जाना हो, यानी कि विदेश जाना हो, अब्रॉड जाना हो, तो वो क्या करे? क्योंकि जब भी पति केस के दौरान विदेश जाना चाहेगा, अब्रॉड जाना चाहेगा, चाहे वो फिर किसी भी पर्पस के लिए हो, ऐसे में कोर्ट्स, अपोजिट पार्टी और प्रोसिक्यूशन एक बहुत ही सस्पिशियस अप्रोच रखती हैं। उनके मन में शक आ जाता है कि पति वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्या पति का जाना जेन्युइन है या पति बहाने मार करके बाहर जाना चाहता है ताकि वो केस से बच जाए। तो आज का वीडियो, आज की जजमेंट हमारा इसी पॉइंट पर आधारित है कि क्या 498A के दौरान यदि पति विदेश जाना चाहता है किसी भी कारणवश, तो क्या उसे विदेश जाने की परमिशन मिलेगी, और अगर परमिशन मिलेगी तो वो परमिशन उसे कैसे मिलेगी। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मैटर, क्यों एक पति 498A के दौरान देश छोड़कर जाना चाहता था, क्या कोर्ट ने उसे बाहर जाने की परमिशन दी। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और आपने कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना है, नहीं तो आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल बिफोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में शादी के कुछ टाइम के बाद पत्नी पति के ऊपर 498A, 406 और 420 IPC के तहत FIR दर्ज करवा देती है। पति को पूरी संभावना होती है कि उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए वो सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चलान कोर्ट में पेश कर देती है और चलान के बेसिस पर कोर्ट पति के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर देती है। इसके बाद पति एक एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में कि उसे USA यानी कि अब्रॉड जाने की परमिशन दी जाए। दोस्तों, एप्लीकेशन में वो बकायदा मेंशन करता है कि वो क्या काम करता है और उसे किस पर्पस के लिए USA जाना है। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे एक कंपलसरी ट्रेनिंग के लिए USA जाना है, और ये ट्रेनिंग उसके एम्प्लॉयर के द्वारा जहाँ पे वो काम करता था वहां उनके द्वारा स्पॉन्सर की गई थी और ये कंपलसरी ट्रेनिंग थी। दूसरी तरफ पत्नी और प्रोसिक्यूशन के द्वारा पति की एप्लीकेशन को अपोज किया गया। वो नहीं चाहते थे कि पति की एप्लीकेशन अप्रूव हो, उसे परमिशन मिले। उनका यही कहना था कि अगर पति को USA जाने की परमिशन मिल गई, उसे अलाउ कर दिया गया, तो ऐसे में उसका देश छोड़कर भागना बहुत ही आसान हो जाएगा और शायद वो वापिस ही ना आए। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसे US जाने से मना कर दिया। इसके बाद पति इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट के सामने पति अपने विदेश जाने के बारे में सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसके एम्प्लॉयर के द्वारा ही USA की ट्रेनिंग को स्पॉन्सर किया जा रहा है और ये ट्रेनिंग उसकी जॉब के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि कंपल्सरी है। हाई कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करता है कि पति एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और उसकी कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पति ने बकायदा कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस वालों के साथ कॉपरेट किया था। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि केवल FIR दर्ज होने से दोषी को विदेश जाने से मना नहीं कर सकते,
उसे रोक नहीं सकते हैं। हालांकि उसकी प्रेजेंस सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है, यानी कि फ्रीडम भी देनी है लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ लगानी है। हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पति के पेरेंट्स ने एफिडेविट में अंडरटेकिंग दी है कि वो एक पर्टिकुलर डेट से पहले वापस आ जाएगा और वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तक कोर्ट में सबमिट कराने को तैयार थे। इन सभी चीजों से ये पता लगता था कि पति ने अगर बाहर जाना है तो वो एक उसका बोनाफाइड डिसीजन है और वो किसी भी तरह से 498 के केस से बचने के लिए बाहर नहीं जा रहा है। इन सभी चीजों के बेसिस पर, यानी कि जो भी पति ने सबमिशन दी थी और उसके पेरेंट्स ने भी जो अंडरटेकिंग दी थी, उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने पति को विदेश जाना अलाउ कर दिया और लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट कर दिया। दोस्तों, इस केस से, इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 498 ए की अफेयर के बाद भी पति या पति पक्ष के लोग बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, यदि वो अपने प्रॉपर रीजंस देते हैं और अपनी बोनाफाइड इंटेंशन दिखाते हैं तो। हाँ, हालांकि ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 498 ए की एफआईआर उनको विदेश जाने से रोक सकती है। यदि आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपका जाना बहुत ही ज़रूरी है और आप घूमने फिरने के इरादे से नहीं जा रहे हैं, तो आप या आपका परिवार या आपका एम्प्लॉयर आपकी अंडरटेकिंग दे सकता है, तो आपको विदेश जाने की परमिशन 498 ए के दौरान भी मिल सकती है। दोस्तों, इस केस के बारे में, इस जजमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं? क्या 498 ए वाकई में अक्यूज्ड पर्सन की फ्री मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं? क्या जब भी पुलिस वाले बुलाएं तो उन्हें जाना पड़ता है और जब उन्हें जाना पड़ता है तो उन्हें अपने सारे इंपॉर्टेंट काम काज छोड़ करके जाना पड़ता है, तो क्या ऐसे में उनको नुकसान उठाना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ता है? क्या यदि पति को 498 ए के केस के दौरान बाहर जाना पड़े किसी भी कारणवश, तो उसे बाहर जाना अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या पति हमेशा इसी इंटेंशन से बाहर जाता है कि वो वापस नहीं आएगा, या 498 से बचने के लिए बाहर जाना चाहता है? आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं इस जजमेंट को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के, आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से, अपने केस के फैक्ट्स के हिसाब से आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।